दोस्तों नमस्कार। आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी के 22 कमांडोस। अगस्त 29, 2020 की रात को एक बड़ा स्विफ्ट ऑपरेशन हुआ इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी के स्पेशल कमांडोस ने एक ब्लैक टॉप हिल का एरिया है पांगोंग साउ लेक पे, जहां पे उन्होंने कब्जा किया। ये एरिया जो है इंडियन आर्मी की जो पोजीशन थी उससे 4 किलोमीटर आगे था, यानी कि चाइना की तरफ था। ये जो स्विफ्ट एक्शन था इसके साथ लोगों के दिमाग में जो कुछ जानते होंगे उनको एक फर्क पड़ा, उनके दिमाग में एक फीलिंग आई कि ये क्या है। तो जो जानकार लोग हैं वो समझ गए कि ये जो एक्शन है ये है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का यानी कि SFF का, और इसका जो दूसरा नाम भी कहा जाता है वो कहा जाता है 22 कमांडोस। और ये जो यूनिट है ये आता है अंडर रॉ यानी कि इंडियन इंटेलिजेंस जो प्राइम ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर ही आता है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है ये बड़ी इंस्ट्रूमेंटल थी ये ब्लैकटॉप हिल को ऑक्यूपाई करने के लिए, और जिस तरीके से इन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया उससे बिल्कुल बात समझ आ गई कि ये कोई स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो हिल एरियाज में ऑपरेट कर सकती है, वहां पे इफेक्टिवली अपना कंट्रोल फैला सकती है। तो इस इन्होंने ब्लैकटॉप हिल पे जब कब्जा किया जिसकी वजह से चाइनीज को बड़ा एक नुकसान पहुंचा, और इसकी वजह से इंडियन आर्मी को एक बड़ी एडवांटेज इस पोजीशन में ला दिया पांगोंग साउ लेक के एरिया में। इस एरिया में कुछ और भी हिल्स थे जो इंडियन आर्मी और SFF ने मिलकर उन पर कंट्रोल किया, और आज इंडियन आर्मी बड़ी एडवांटेजियस पोजीशन में है पांगोंग साउ लेक के अंदर, और चाइना इस चीज से बड़ा परेशान है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो फोर्स है ये रेज की गई थी नवंबर 14, 1962 यानी कि इमीडिएटली आफ्टर इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962। इसके अंदर जो लोग हैं या इसके अंदर जो हमारे कमांडोस हैं वो इनिशियली लाए गए थे तिब्बतन्स, और बाद में कुछ गोरखास को भी इसमें इंक्लूड किया गया। और इसको कहा जाता है कि ये एक जो फोर्स है ये बड़ी इफेक्टिव है हिल एरियाज के अंदर गुरीला वॉरफेयर के अंदर, और इनको ये भी कहा जाता है कि ये तिब्बतन निंजास हैं। SFF को जो फॉर्म किया गया था ये किया गया था BN मलिक यानी कि जो IB के उस टाइम पे डायरेक्टर थे उनके एडवाइस पे। साथ में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा CIA का, अमेरिकन CIA का, जिन्होंने भी इंडिया को असिस्ट किया इस फोर्स को एस्टेब्लिश करने में। और एक तीसरे आदमी का जिसका नाम इसमें आता है वो है बीजू पटनायक। बीजू पटनायक जो थे उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे ओडिशा के, और बीजू पटनायक हैं ये फादर हैं जो नवीन पटनायक है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर उनके फादर हैं, और इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस ऑर्गेनाइजेशन को रेस करने के लिए। जो SFF के पर्सनल है इनको इनिशियली CIA ने ट्रेनिंग दी, फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दी, और बाद में ये रॉ को शिफ्ट हो गया, उसके बाद रॉ ने भी इनको ट्रेनिंग दी। रॉ का इस पर टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, और ये जो फोर्स है ये बड़ी इफेक्टिव है इनसाइड चाइना अटैक करने के लिए बिहाइंड एनिमी लाइन्स, और ये फोर्स की कैपेबिलिटी है कि चाइना के अंदर भी स्ट्राइक करने की। SFF को दूसरा नाम दिया जाता है एस्टेब्लिशमेंट 22, क्योंकि इसके जो पहले इंस्पेक्टर जनरल थे मेजर जनरल सुजान सिंह उबान, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एक 22nd माउंटेन डिवीजन को कमांड किया था यूरोप के अंदर, और उन्हीं की वजह से इसका नाम जो है 22 भी पड़ा है। SFF का जो हेडक्वार्टर्स है वो चक्राता में उत्तराखंड के अंदर, और इस फोर्स के अंदर कहा जाता है कि करीब 6,000 के करीब सोल्जर्स हैं और इसकी 6 बटालियन हैं। ये एक एलिट पैराट्रूपर्स हैं, और इनकी जो ट्रेनिंग है मेनली माउंटेन वॉरफेयर के लिए की गई है। इसमें कुछ वुमेन सोल्जर्स भी हैं, क्योंकि ये तिब्बतन्स हैं तो ये जो तिब्बतन्स जो हैं ये बेसिकली माउंटेन एरिया को बिलोंग करते हैं, और इस एरिया में माउंटेन्स के अंदर इनकी बड़ी इफेक्टिवनेस है वॉरफेयर के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि हमारी आर्मी के अंदर कोई कमी है, लेकिन जो ये लोग हैं ये स्पेशली ट्रेन्ड हैं और हाई अल्टीट्यूड पे रह भी सकते हैं, हाई अल्टीट्यूड पे लड़ भी सकते हैं। जिस हमारी आर्मी के अंदर ले स्काउट्स को भर्ती किया गया और इनको सियाचिन जैसी जगह में रखा गया, क्योंकि ले के जो लोग हैं वो हाई अल्टीट्यूड से यूज टू हैं, कोल्ड वेदर से यूज टू हैं। सिमिलरली जो ये हमारे कमांडोस हैं 22 के या तिब्बतन्स जो कमांडोस हैं ये हाई अल्टीट्यूड में और कोल्ड वेदर में सर्वाइव अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं इंडियन आर्मी को असिस्ट करने के लिए माउंटेन वॉरफेयर के अंदर। SFF के जो कमांडोस हैं ये जो तिब्बतन्स जो इसके अंदर हैं ये बिलोंग करते हैं मेनली खम एक रीजन है तिब्बत के अंदर जो बड़े हाई अल्टीट्यूड पे है, और इसको माना जाता है कि ये एक बड़े फाइटर्स हैं। इनको ये भी कहा जाता है कि ये तिब्बतन निंजास हैं। इनको टर्न किया जाता है कि वर्ल्ड के अंदर बेस्ट कमांडोस हैं माउंटेन एरिया के अंदर वॉरफेयर के अंदर। इन्होंने काफी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया है,
इनका जो मेन ऑपरेशन रहा वो रहा 1971 के वॉर का। उसके बाद ये ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी यूज किया गया इनको, और फिर ये कारगिल के अंदर भी इनकी बड़ी यूजफुल कंट्रीब्यूशन है, इनको बाद में लाया गया। साथ में ये इंसर्जेंसी जो हमारी नॉर्थ ईस्ट है उसमें भी इन्वॉल्व रहे हैं। 1971 के वॉर के अंदर एसएफएफ को रॉ चाहता था कि इनको चिटागोंग हिल एरिया में डिप्लॉय किया जाए ऑपरेशंस के लिए, लेकिन आर्मी को इसमें कुछ रिजर्वेशंस थी। तो उस टाइम पे जो रॉ के चीफ थे आरनकाओ, उन्होंने जनरल मानेकशॉ से बात की और जनरल मानेकशॉ एकदम मान गए। 1971 के अंदर करीब करीब 3000 एसएफएफ के पर्सनल चिटागोंग हिल्स में डिप्लॉय किए गए थे, जो ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट था और आज उसको बांग्लादेश का पार्ट किया जाता है। लेकिन वो आर्मी जो पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉयड थी उसके पीछे एयरलिफ्ट किया गया। साथ में इनको एक टास्क दिया गया था कि जो पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर्स या उनके लोग बर्मा को जाना चाहें उनको वहां रोका जाए, और इन्होंने पाकिस्तान आर्मी की सारी कम्युनिकेशन लाइन डिस्ट्रॉय कर दी और इंश्योर किया कि पाकिस्तान आर्मी के लोग बर्मा की तरफ ना जा पाए, और हमारी आर्मी को एडवांस करने में बड़ी अच्छी बड़ी हेल्प मिली। जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ उसके बाद पे कुछ पीरियड के एसएफएफ के लोगों को या इनके कमांडर्स को वीवीआईपी सिक्योरिटी पे लगाया गया, यानी उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी सिक्योरिटी और बाकी जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनकी सिक्योरिटी पे लगाया गया। बाद में जो काम ये था एसपीजी को दिया गया, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसके बनने के बाद एसएफएफ के लोग जो हैं ये तिब्बत को बिलोंग करते हैं ज्यादातर, और ये जो बिलोंग करते हैं तिब्बत को, इनको तिब्बत के खंपस एक बहुत अच्छे फाइटर्स हैं। इनके डिप्लॉय करने के बाद चाइना के अंदर बड़ी नर्वसनेस आ गई है, क्योंकि चाइना ने कभी नहीं सोचा था कि वहां पे तिब्बतन्स को इंडियन आर्मी लगा के रखेगी या इंडियन गवर्नमेंट लगा के रखेगी। और इनके लगाने से चाइना के अंदर नर्वसनेस इसलिए भी आ गई, जो जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया था उसके बाद जो खंपस थे ये चाइना के खिलाफ लड़ते रहे, और इनके पास उस टाइम पे कोई आर्म्स एवोल्यूशन नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, उसके बावजूद भी अपने जो कुछ उनको मिला उससे लड़ते रहे या नंगे हाथों से लड़ते रहे अकेले, और इन्होंने चाइनीज को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अल्टीमेटली जो दलाई लामा है उन्होंने इनको अपील की कि आप अपना सरेंडर कर दो। इस लोगों ने कुछ ने सरेंडर कर दिया, जो उनको सरेंडर किया उनको चाइनीज जो पीएलए है उन्होंने बाद में उनका बड़ा कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया, लेकिन बाकी जो खंपस थे उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने सुसाइड भी कर लिया। जब दलाई लामा इंडिया में आए थे 1959 में, उस टाइम में खंपास उनको साथ लेके आए थे, उनकी सिक्योरिटी मैनेज की, और आज ये काफी खंपास जो इंडिया में भी रहते हैं। लेकिन अब एक और सिचुएशन आती है चाइना की नर्वसनेस, वो इसलिए है कि इसके साथ खंपास के यहां एक्टिव होने के साथ चाइना के अंदर जो तिब्बतन्स हैं या तिब्बत के एरिया में जो तिब्बतन्स हैं उनको एक मैसेज चला गया है कि अब बॉर्डर पे उनके लोग खड़े हैं। इससे चाइना को डर लगता है कि उनके अंदर दोबारा से कोई डिस्टर्बेंस आ सकती है। और जब आपने देखा कि 14 जून 2020 को इंडियन आर्मी और पीएलए के अंदर हैंड फाइटिंग हुई, जहां पे चाइना ने इंडिया को धोखा देके उन पे अटैक किया, खैर हमारी आर्मी ने उनको बड़ा इफेक्टिवली काउंटर किया, अगर हमारे 20 लोग मरे तो चाइना के उससे कई गुना ज्यादा मरे। उसके बाद रॉ ने इन लोगों को स्पेशलाइज जगह पे डिप्लॉय किया जो सेंसिटिव जगह थी, और आज मुझे लगता है कि तिब्बत में काफी एरियाज में खंपास यानी के जो एसएफएफ के लोग हैं वो डिप्लॉयड हैं, ताकि चाइनीज की कोई भी चाल हो वो इफेक्टिवली उसको काउंटर कर सकें। और ये हैंड टू हैंड फाइटिंग के अंदर मोस्ट सूटेबल हैं, और स्पेशली जैसे मैंने कहा हिल एरियाज के अंदर, तो चाइना को इसके ऊपर सावधान रहना पड़ेगा। और ये जो फोर्स आती है ये आर्मी के अंडर नहीं आती, ये इंडिपेंडेंट फोर्स है, लेकिन हाँ आर्मी को असिस्ट करती है जहां पे जरूरत होगी, लेकिन अदरवाइज इसके ऑपरेशंस इंडिपेंडेंट भी रहते हैं, और ये चाइना के अंदर डीपली अंदर जाकर के चाइना को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही कहूंगा, जय हिंद जय भारत।